सत श्री अकाल जी, तुहाडा सारिआं दा स्वागत है साडे ऑफिशियल फेसबुक पेज द रैपिड लोन्स ते। अज दा इह लाइव बना रहे हैं परसनल लोन नू लैके। काफ़ी सारी इनकुआरीज सी साडे कोल कि परसनल लोन ते पंजाबी च लाइव बनाओ, पंजाबी च एक बार डिटेल च डिस्कस करो परसनल लोन दे बारे। परसनल लोन किवें हुंदे ने ते कौन कौन परसनल लोन लै सकदा है, की रेट लगदा है, किन्ना टेन्योर हुंदा है, किन्ना टाइम दा हुंदा है परसनल लोन, तां उहदी जानकारी लैके अज इत्थे तुहाडे सामने आए हैं। कुछ कस्टमर्स दे जुड़न दा वेट कर लेने हैं। जिन्हें भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चन कवर करांगे परसनल लोन दे। जिन्हें भी जो भी व्यूअर्स जुड़ रहे ने इस वीडियो नूं शेयर जरूर करते रहो, ताकि जिन्होंने सानूं फॉलो नहीं करया होया उन्हां तक भी साडा वीडियो पहुंचे ते वह भी साडे वीडियो नूं देख के बेनीफिट लै सकन। इहदा परसनल लोन की जो इनकुआयरी है, जो भी है, जो भी उन्होंने परसनल लोन के बारे उन्हों का क्वेश्चन है, वह कोशिश करा सारे क्वेश्चन अज के वीडियो कवर करा। छे लोग जुड़ गए ने, कोशिश वेट कर लेने कुछ होर लोगों ने जुड़न का। अठ व्यूवर्स जुड़ गए ने। जिन्हें भी व्यूअर जुड़ रहे ने सबनों अनुरोध है कि इन शेयर जरूर कर दे, सबनों जे आपदे आपदे सारे ग्रुप्स ते आपदे व्हाट्सएप ते फेसबुक ते शेयर कर दे रहो, ताकि जेडे कस्टमर साडे नाल नहीं जुड़े हुए ने वह भी साडे नाल जुड़ जाण ते बेनीफिट लै सकन। जिवें कि तुहानू सारिआं नू पहलां तो शुरू तो यह चीज़ कहिंदे आ रहे हैं कि जितने भी लोन दे जिन्ने भी इत्थे वीडियो असीं बनाए आ पहलां शुरू च वह सारे वीडियोज पंजाबी दे विच कवर करांगे। शुरू तो मैं तुहानू प्रोमिस करिआ सी होम कार लोन कवर कर चुके हैं, ऑटो लोन, यूज कार लोन कवर कर चुके हैं, पंजाबी च एजुकेशन लोन ते पंजाबी च वीडियो बना चुके ते परसनल लोन ते अज बना रहे हैं। जल्दी नैक्सट होम लोन ते भी जल्दी बनावांगे। कुछ होर लोगों ने जुड़न का इंतजार कर लेने। 12 व्यूवर जुड़ चुके ने। जिन्हें व्यूवर जुड़े ने सब नू कि तुसी आपदा शेयर जरूर करते रहो, क्योंकि जिन्होंने नहीं पेज फॉलो कराया हुआ उन्हां तक भी पहुंच जाए अपना वीडियो जो है। बाकी गल करांगे व्यूवर्स के बारे, काफी अच्छे सबसक्राइबर जुड़े ने, 18,000 तो उत्ते फॉलोअर बन गए ने, ते उहदे बारे गल करांगे। बहुत चंगा लगता जो तुहाडे नाल नंबर शेयर करते हैं। नैक्सट टारगेट हैगा 20,000 ते एक वड्डा लाइव रखिए, जिहदे विच जिन्ने भी ऑफिस आ सारे ऑफिस की टीम नूं नाल लैके एक लाइव बनाइए, थोड़ा सारा धन्यवाद करिए। 20,000 फॉलोअर्स के मार्क ते रखांगे 2-4 दिनों च। जे चाहिया थोड़ी सब की इच्छा हुई, तुसीं सब ने साथ दिता, तो 2-4 दिनों तक 20,000 का जिहड़ा मार्क है वह अचीव हो जूगा। 24 लोग जुड़ चुके ने। कुछ होर लोगों ने जुड़न की वेट कर लेने, फिर परसनल लोन के बारे गल करांगे। जिन्हें भी लोग जुड़ रहे ने बहुत बहुत धन्यवाद सारिआं दा जी, बहुत बहुत स्वागत है साडे चैनल ते। बहुत थोड़े टाइम च बहुत ज्यादा प्यार दिता तुसीं साडे चैनल नूं, उस करके असीं तुहाडे बहुत बहुत धन्यवादी हैं। सब नूं एक अनुरोध है जी, शेयर करते रहो, ताकि जिन्हां ने नहीं साडा चैनल सबसक्राइब कराया होया उन्हां तक वीडियो पहुंचे। जे उन्हां ने कोई परसनल लोन लैणा या उन्हां ने कोई परसनल लोन के बारे कोई क्वेश्चन है उन्हों का, कोशिश करा सारे क्वेश्चन कवर हो जाए। इतने कमेंट भी कर सकते हो तुम जो थोड़े कोई क्वेश्चन है, तो नाल दी नाल आपां इतने रिप्लाई भी कर देने। अठाई लोग लाइव जुड़ गए ने, तो शुरू कर लेने जी अपना अज का वीडियो। परसनल लोन किवें मिलता है, किन्ना मिलता है, किनू किनू मिल सकता है, कौन एलीजिबल है, कौन एलीजिबल नहीं है, लोकेशन, तुहाडी जॉब की चीज मैटर करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की लगता है, किन्ना परसनल लोन ते रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, की चीज केड़े सिविल स्कोर किन्ना होना जरूरी है, की चीजा मैटर कर दिया ने परसनल लोन लैन वास्ते, वह सारिया अज डिस्कस करांगे तुहाडे नाल। वीडियो शुरू करन तो पहला एक बारी मैं तुहानू फिर सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद करदा हाँ जिन्होंने साडा चैनल फॉलो करिया जी। साडे पिछले 15 दिनों तो 20 दिनों तो फेसबुक ते लाइव नहीं बना पाए, यूट्यूब ते आपां लाइव करे सी 2-3, ते फेसबुक ते भी सबसक्राइबरस दा काउंट बहुत ज्यादा अच्छा काउंट रहा, बहुत वधिया काउंट वधिया। 18,267 अज सुबह मैं नंबर देखिया सी, तकरीब 19,000 दे करीब अज शायद पूरे हो जाणगे।
20,000 ते एक लाइव बनावांगे सारे ऑफिसेज नूं नाल लैके तीनों चारों ऑफिसेज तो सारी टीम्स नूं इकट्ठा करके एक लाइव बनावांगे जदों 20,000 सबसक्राइबर साढ़े अपने फेसबुक ते फुल कंप्लीट होंगे। ठीक है जी, एक एक करके हुण तुहाडे सारे क्वेश्चन का जवाब दिंदे आ। परसनल लोन ते परसनल लोन की हुंदा है जी? परसनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन है, इहदे विच तुहानूं कोई कोलैटरल नहीं देना पैंदा, कोई किसी चीज़ के कागज़ नहीं देने पैंदे, सिर्फ तुहाडी प्रोफाइल ते लोन हुंदा है, जो प्रोफाइल तुसीं पुराने लोन चुका करके बनाई हुई है या तुहाडी बैंकिंग है, तुहाडी सैलरी है, उहते लोन हुंदे ने जी। कोई भी काम लै सकते हो लोन, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई पढ़ाई का खर्चा है, कोई ते घूमन जाना है, कोई मैरिज है, कोई बर्थडे सैलीब्रेशन है, कुछ भी काम करना है तुसी, तो तुसी एक परसनल लोन बैंक तो लै सकते हो। परसनल लोन दे जिहड़े साडे कोले मैक्सिमम क्वेश्चन आउंदे आ जी, सब तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन लै लैंदे आ, बहुत ज्यादा लंबा तुहाडा टाइम नहीं लवांगे कि मेन मेन चीजा। सब तो पहला सानू ज्यादा क्वेश्चन जिहड़े आउंदे आ जी वी परसनल लोन किन्ना मिल जूगा, ये की चीज ते डिपेंड करता है। तो ये देखो किन्ना मिल जाएगा, ये सब तो पहला तुहाडी अर्निंग कपैसिटी ते डिपेंड करता है, तुसीं किन्ना अर्न कर रहे हो। अगर तुसीं बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो, थोड़ी सैलरी जिन्नी ज्यादा है उन्ना ज्यादा चांसिस होंदे परसनल लोन मिलने दे, तुहाडी सैलरी नूं मल्टीप्लाई बाय 5 मोस्ट ऑफ द बैंक्स जिहड़े स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करते हैं, थोड़ी सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 5 परसनल लोन होंदा। जिवें तुहाडी सैलरी 25,000 है ਤਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 10 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਲੋਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਵਿਲ ਸਕੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਕੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਈਕ ਲੋਨ ਕਰਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਲੋਨ ਕਰਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਨ ਕਰਾਇਆ, ਟੀਵੀ ਲੋਨ ਕਰਾਇਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ? अगर तुसी उहदियां किस्तां टाइम ते भर रहे हो, प्रोपर थोड़ियां किस्तां जा रही हैं, तो उहदे नाल तुहाडा सिविल स्कोर बनता है। सिविल स्कोर बनन दे नाल तुहानू परसनल लोन ज्यादा मिलन दे चांसेस हो जांदे, फास्टर मिलन दे चांसेस वध जांदे आ, ते घट रेट ऑफ इंट्रस्ट दे मिलन दे चांस वध जांदे आ। दूजी चीज डिपेंड करता है जी तुसी कित्थे काम करदे हो। जिवें अगर तुसी कोई रजिस्टर्ड कंपनी च काम कर रहे हो, जो हर बैंक ने आपकी एक लिस्ट बनाई हुई हुंदी है परसनल लोन वास्ते कि असी एस एस कंपनी नूं पीएल दिंदे हां, हर बैंक की एक लिस्ट हुंदी है स्टैंडर्ड लिस्ट, अगर तुसी उस लिस्ट दे विच हो, अगर उस तुहाडी कंपनी जिथे तुसी काम कर रहे हो उस लिस्ट दे विच आउंदी है, तां तुहाडे चांसेस ज्यादा वध जांदे ने परसनल लोन मिलन दे। कुछ प्री अपरूव्ड परसनल लोन होंदे ने, तुहाडी बैंकिंग ते डिपेंड करदे ने, तुहाडा बैंक नाल रिलेशन अच्छा है, तुसी बैंक तो हमेशा जिहड़ा पैसा लिया टाइम ते मोड़ता, चाहे वह किसी भी लोन के रूप च लिया, उस तो बाद तुहाडी की प्रोफाइल ते नैट बैंकिंग ते तुसी देखते हो, लॉग इन करते हो या तुसी ऐप च लॉग इन करते हो, तो उत्थे प्री अपरूव्ड आया पिया हुंदा है जी, प्री अपरूव्ड ऑफर है परसनल लोन का, 5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का तुसी अवेल कर सकते हो। उतो तुसी फॉर्म फिल करना हुंदा ते ऑटोमैटिक बैंक का एग्जीक्यूटिव तुहाडे कोल घरे आके तुहाडा परसनल लोन करवा देंगे। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ, NBFC ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਦੇਤੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਲੋਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੋਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋਨ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਗਿੰਗ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਥੋੜੀ फास्ट वेचन वास्ते कहते जी, डॉक्टर्स वास्ते डॉक्टर लोन है जी, है ना, मैरिज वास्ते मैरिज लोन है जी, ठीक है, हायर एजुकेशन लोन है जी, एजुकेशन लोन अलग चीज़ है, परसनल लोन अलग चीज़ है, होम रिनोवेशन तुसीं आप दे फिर होम लोन च ले सकते हो, उहदे च रेट होर ज़्यादा घट हुंदा है, और ट्रैवल लोन हो जाता जी, तुसीं कितें ट्रैवल करना है फैमिली नाल या वैसे ट्रैवल करना, डेट कंसोलीडेशन कोई तुसीं पहलां तों लोन लै रखे ने उहदा कंसोलीडेशन तुसीं कोई करना है उहदे वास्ते लोन मिल जाता है जी, ठीक है। इहदे अलावा जिन्हें भी तुहाडे परसनल रीजनस ने उन्हां वास्ते तुहानूं लोन चाहिए, तुसीं परसनल लोन अपलाई कर सकते हो। किवें अपलाई होएगा? तुसीं आपदा आधार कार्ड, पैन कार्ड, जिथे तुसीं जॉब करते हो उस कंपनी की पे स्लिप, थोड़ियां लास्ट 3 पे स्लिप, तुहाडी 6 महीनों की नैट बैंकिंग तुसीं सानूं वट्सएप करनी है जी, पिछे दिते हुए नंबर से 9821303300 ते साडा इत्थों टीम तुहानूं कॉल कर लेगी, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵਿਜਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੌਗਇਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਮਤਲਬ 1 ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ,
अगर तुहाडा लोन हो रहा ओके है अमाउंट फाइनल करके तुहाडे तो चैक जिहड़े है उह मंगवा करके ते तुहाडे बैंक दे विच तीजे दिन लोन डिसबर्स हो जाता है। बहुत सिंपल प्रोसैस है, इहदे विच कुछ इदां दा नहीं है कि कोई ज़्यादा टफ प्रोसैस है, कोई लेंथी प्रोसैस है। एज घट तो घट 18 साल होनी चाहिए है जी, मैक्सीम 60 साल तक मिलता है परसनल लोन। क्रेडिट स्कोर अगर 750 या तो ज़्यादा है तो परसनल लोन मिलने के चांसिस बहुत ज़्यादा है। हालांकि घट क्रेडिट स्कोर से भी कुछ बैंक पीएल करते हैं, पर रैपिड के थ्रू जो तुम आने तो ही असं रिकमेंड करा जो 750 प्लस सिविल स्कोर है। सैलरी थोड़ी 15,000 रुपये मंथली या उस तो ज़्यादा होनी चाहिए है सर। इतने साढ़े कोले क्वेश्चन आया जी, जॉब दे विच एक्सपीरियंस कितना होवे, कोई मैटर नहीं करता जी, एक साल का होगा, छे महीनों का होगा तो भी चलता, कोई मैटर नहीं करता कि कितना सिविल स्कोर है, कितना सॉरी सिविल स्कोर नहीं, कितना टाइम हो गया तुम्हें जॉब करदे नूं। बस ये है कि अगर तुम बिजनेस चला रहे हो, परसनल लोन ले रहे हो, कुछ जिवें आप रैपिड तो नहीं करते हैं बिजनेस वाले परसनल लोन, पर कुछ कंपनीज ने जो कर दिया ने, कुछ एनबीएफसीज ने जो कर दिया ने, उन्होंने भी गल कर लेने हैं। जे उन्होंने तो तुम परसनल लोन करवाने हो तो बिजनेस की कंटिन्यूटी होनी चाहिए है जी। फिर साढ़े को आया कि कहड़ी कंपनी होंपनी किए सैग्रीगेट करते हो, जिम्मे रैपिड तो कहने भी परसनल लोन करते हैं, बंदा कंपनी काम करता हो चाहिए जी। कोई भी प्रतिष्ठित संस्थान जिम्मे आप कह दें NMC हो गया, MNC हो गया सॉरी, मल्टीनैशनल कंपनी होगी, कोई प्राइवेट कंपनी होगी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, कोई भी कंपनी जो थानू पे स्लिप दी है, कोई भी कंपनी जो थानू पे स्लिप दे सकती है, उन्हू तो परसनल लोन थोड़ा हो जाएगा। उस तो अलावा जेडे कुछ क्वेश्चन साढ़े को आए थे कि पहला परसनल लोन लिया जी, उस तो बाद साड़ा सैटलमेंट हो गया, हम परसनल लोन नहीं हो पाएगा जी, बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर परसनल लोन की सैटलमेंट तुम करा दें, उस जेडे लोन की भी सैटलमेंट करा दें, उस तो बाद वो लोन थोड़ा नहीं हो सकता, कोई भी बैंक नहीं करता, क्योंकि बैंक नूं इशू हुंदा है कि बंदा अगे आके ये लोन साड़ा भरेगा या नहीं भरेगा, बैंक उहदे विच लोन नहीं करता। फीस कि लगती है, प्रोसैसिंग फीस थोड़ी लगती है जी, प्रोसैसिंग फीस होंगी 0.25% तो लैके 3% तक की RBI ने निर्धारित करी हुई है, सारे बैंक आपके आपके हिसाब से फीस लेंगे ने। उसके अलावा प्री पेमेंट चार्जेज अगर फोर क्लोजर तुम टाइम तो पहला करवाने, जो 5 साल की किस्त बना लिया, कहने मैं तो साल दी किस्त दे के ही क्लोज करवाना, तो प्री पेमेंट चार्जेज लग जाते हैं, 2% तक लग सकते हैं, 2-3% तक भी लग सकते हैं, 5% तक लिमिट है, 5% तो उत्ते कोई बैंक नहीं ले सकता, कोई बैंक 1% लेंदा, कोई 2 लेंदा, कोई 3 लेंदा, कोई 4 लेंदा, ऐवें हुंदा है। लोन कैंसलेशन या रीबुकिंग दे चार्जेस की हुंदे ने, लोन कैंसलेशन तो सर कोई चार्जेस नहीं हुंदे, कोई कई बार कोई तुसी लोन ले लिया, मान लो ते तुसी अज अप्लाई कराया है ना, ते 3-4 दिन 5 दिन थोनू लोन डिसबर्स होने वाला है, थोड़ा ओके हो गया, उदो तुम कह दो जी मेरा तो कम सर गया जी, मैं नहीं लोन लेना गा, है ना, तो बैंक ने जो फिर मत्थामारी करी, फाइल भरी, थोड़ा लोन कराया, अगेंस्ट बैंक कोई 1% 0.5% कट लेंदा जी, वो लोन कैंसलेशन चार्ज होंदा, वो तुम देना पैंदा। वैसे सारे बैंक नहीं, बहुत घट बैंक इस चीज़ को कंसीडर करते हैं, बहुत ज्यादा जगह नहीं लगता थोड़ा। डॉक्यूमेंटेशन फीस लगती है जी, नाम मात्र की फिक्स फीस होंगी है किसी बैंक की, 500, 700, 1100, 1200 तक होंगी है। लीगल या पेनल चार्जेस के बारे सानू पूछा गया सी, वो कोई नहीं लगते जी, परसनल लोन ते होम लोन का पार्ट होंगे ने। अगर परसनल लोन की ईएमआई बाउंस होगी तो सर किसी मर्जी लोन की होगी, अगर तुम ईएमआई बाउंस कराओगे थोड़े 2 तरह के चार्ज पेंदे ने, पहला चार्ज थोड़ा पेगा जो बैंक तो तुम ईएमआई बाउंस कराई है, वह बैंक थोड़ा पेनल्टी लाऊगा अकाउंट के 250 रुपए तो स्टार्ट होकर 650 तक होंगी है, बैंक टू बैंक वैरी करता है, अगेन किन्ने की ईएमआई है वह वैरी करता है। दूसरा होंगे जी बैंक पेनल्टी, जो लोन पेनल्टी पेनल्टी जो ईएमआई की पेनल्टी थोड़ी लोन अकाउंट के जुड़ जूगी, तो एक किस्त तुम बाउंस करते हो तो थोड़ा 1,000-1200 रुपए का नुकसान हो सकता है हर किस्त। एप्स तो किवें लोन, देखो जी हर ऐप का एक अपना प्रोसैस है, हर ऐप अपने प्रोसैस के लोन दिता है, थोड़े नाल यही असी शेयर करांगे कि जिहड़ी भी किसी ऐप को तुसी लोन लेना चाह रहे हो, किसी भी ऐप तो लोन लैन की कोशिश कर रहे हो, उस ऐप नू पहला वेरीफाई कर लो चंगी तरह, तुसी श्योर हो जाओ कि वह ऐप जेन्युइन है, उस ऐप दे रिव्यू पढ़ो, वो ऐप किन्ने लोगों ने इंस्टॉल की, गूगल प्ले ते तुसी वो देखो, अगर तो तुसी अश्योर हो कि ऐप सही है, लोगों ने अच्छा रिव्यू दे रखे है,
ऐप का उत्थे एड्रैस दिता हुआ है, सारा कुछ हैगा, कॉन्टैक्ट अस दे विच नंबर हैगा। तो ही मैं तुहानू कहूंगा कि उहदे थ्रू तुसी लोन लैन जाओ, क्योंकि अजकल बहुत ज्यादा ऑनलाइन फ्रॉड चल रहे ने, बहुत सारिया ऐप्स है जो डेटा कलैक्ट करने वास्ते तुहाडे तों फार्म भरवा लैंदियां ने, उस तों बाद गलत शलत लिंक भेज के लोगों नाल ऑनलाइन साइबर फ्रॉड कर लेंदे ने। ऐप के थ्रू जिवें क्वेश्चन आए मेरे को, ऐप को लोन लेना सेफ है या नहीं? सेफ है अगर तुम ऐप को पहला चंगी तरह जानकारी ऐप की लैके फिर लोन लेने, पहला ऐप के बारे चंगी तरह जान लो जी ऐप सही है नहीं है, ऐप किने बनाई है, ऐप की कंपनी का नाम की है, ऐप के रिव्यू सही है या नहीं है, जो भी है वह पूरा पहला कन्फर्म करके उस तो बाद ऐप के थ्रू अप्लाई करो। हाँ वो सेम आ गया जी, मैं कवर कर लिया। ओटीपी के बारे सानू पूछा सीगा कि ओटीपी देना चाहिए या नहीं, आपके फोन का ओटीपी किसी नाल भी शेयर ना करो सर, क्योंकि ओटीपी नूं वन टाइम पासवर्ड होंदा, ओटीपी के थ्रू थोड़े बैंक चो पैसा भी निकल सकता है, क्योंकि मोस्टली तुसी देखा होगा जो भी थोड़े कोई इशू आता, मान लो एटीएम डुप्लीकेट तुसी कटाउणा है, चैकबुक वास्ते रिक्वेस्ट करनी है, जो तुसी बैंकिंग वाले नूं कॉल करते हो फोन बैंकिंग दे, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछते हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चन दे विच दो चीजा पूछते हैं सर, तुहाडी डेट ऑफ बर्थ या तो या मदर का नाम, कोई चीजा क्वेश्चन फादर नेम पूछ लैणगे, तुहाडा एड्रैस पूछ लैणगे। ये चीजा साइबर फ्रॉड करने वालों वास्ते बहुत ईजीली एक्सैसीबल ने। हुण तुसी इत्थों ही ला लो कि अपने फेसबुक के अकाउंट बनाने, आप फेसबुक से सबने आपके फादर नूं फादर टैग करिया हुंदा, मदर नूं मदर टैग करिया हुंदा, थोड़े फादर मदर का नाम उत्थों मिल गया जी, थोड़ा डेट ऑफ बर्थ भी रिवील हुंदा फेसबुक से, डेट ऑफ बर्थ भी मिल गया सामने वाले नूं। तां कुल मिला के जे तुसी साइबर फ्रॉड तो बचना है तो आपका डेट ऑफ बर्थ प्राइवेट करके रखो, सोशल मीडिया से जिथे भी अकाउंट बनाए ने, चाहे वह इंस्टाग्राम है चाहे वह फेसबुक है, आपका मदरस नेम फादरस नेम, फादरस नेम तो नहीं ईजी हुंदा उन्हों प्राइवेट करना, मदरस नेम ना पब्लिक करो क्योंकि ये सिक्योरिटी क्वेश्चन ने, मदरस नेम थोड़ा करस्पोंडेंस एड्रैस थोड़ा मोबाइल नंबर थोड़ी ईमेल आई डी, ये सिक्योरिटी क्वेश्चन ने। जो भी मान लो थोड़े न कोई साइबर फ्रॉड होन लगा तो साइबर फ्रॉड करने वाला थोड़ी सिम की डुप्लीकेसी कराऊगा, थोड़ी सिम तो तुरंत स्वाइप करके थोड़ी सिम तो कस्टमर केयर से कॉल करेगा, तो थोड़ा नंबर चेंज करने की कोशिश करेगा, मोबाइल का ओटीपी या थोड़ा पासवर्ड या पिन चेंज करने की कोशिश करेगा, उन्होंने सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेंगे, थोड़ी आवाज का सैंपल थोड़ी रिपोर्ट होंगे उत्थे, कोई उन्होंने सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेंगे, सिक्योरिटी क्वेश्चन के मदर नेम पूछना, जो मदरस नेम थोड़ा मैच हो गया तो उन्होंने चेंज कर देना पासवर्ड उत्थों। ता करके सेफ रहने लिए अपनी प्राइवेट जो इन्फॉर्मेशन है वह तुसी पब्लिक फोरम से शेयर ना करो। बिल्कुल एदा फाइनल कंक्लूजिव क्वेश्चन आंसर आई है कि अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करो, भी तुसी जे कोई थोनू ओटीपी मंग रहा तो शेयर ना करो। स्टूडेंट पर्सनल लोन लई अपलाई कर सकते सर, स्टूडेंट अगर रेगुलर इनकम ले रहा है, स्टूडेंट अगर पार्ट टाइम जॉब कर रहा है और जॉब किसी कंपनी च है तो बिल्कुल स्टूडेंट रेगुलर इनकम ले सकता है, कोई इशू नहीं है, पर्सनल लोन ले सकता सॉरी कोई इशू नहीं है, स्टूडेंट को भी पर्सनल लोन मिल सकता है, ब्याह वास्ते पर्सनल लोन आया जी बिल्कुल, मैरिज वास्ते लोग पर्सनल लोन लेंदे ने, पर्सनल लोन होंदा बिल्कुल। मैक्सीम कि अमाउंट, मैक्सीम 40 लाख रुपए होंगे जी, अपने 1 लाख रुपए तो स्टार्ट होके, पर डिपेंड करता है अगेन, अगर थोड़ी अर्निंग बहुत ज्यादा है, पोटेंशियल ज्यादा है, थोड़ा पे सेल भी अच्छी आ रही है, तुम ज्यादा अमाउंट का लोन भी ले सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है कि उन्ना ही लोन लिया जाएगा, तुम ज्यादा लोन भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ईएमआई डेट चेंज, सर ईएमआई डेट चेंज वास्ते सानू 2-3 बारी पहला भी क्वेश्चन आए सी कस्टमर्स दे, ईएमआई डेट चेंज पॉसिबल नहीं हुंदा पर्सनल लोन दे विच मैक्सिमम बैंक्स दे विच, फिर भी अगर तुसी चाहुंदे हो तो ईएमआई जो थोड़ी डिडक्ट हुई है, मान लो अज थोड़ी 12-14 तरीक है, 15 नूं ईएमआई डिडक्ट हुंदी है, 15 नूं ईएमआई डिडक्ट हुई, इमीडिएट लेवल ते 16 तरीक नूं ब्रांच जाके कॉन्टैक्ट करो, अगर तुहाडा रीजन जेन्युइन लगेगा ब्रांच नूं तां तुहाडी ईएमआई डेट चेंज हो सकती है, वैसे चांसेस घट होंगे नहीं ईएमआई डेट चेंज होंगे।
फिर वही क्वेश्चन दोबारा ओदा आया हुआ जी 15,000 रुपए तो तुसी सैलरी दा है कि कितनी सैलरी होनी चाहिए। 15,000 रुपए प्लस सैलरी है तो तुसी पीएल वास्ते अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं। इतने भी काफी सारे क्वेश्चन आए ने, ये भी कवर कर लेने हैं। मैक्सिमम वैसे मैं रिप्लाई करते हैं, ओटीपी दा आया ओटीपी दा भी रिप्लाई करता है मैं। उसके अलावा नंबर पिछे डिस्प्ले हो रहा है जी साढ़ा 9828130300, कुछ लोगों ने नंबर मंगे है फाइल। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका प्रोफाइल ते डिपेंड करता है, अगेन थोड़ी सिबिल कितना है थोड़ा उते डिपेंड करता है। स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर्सनल लोन का 9% तो स्टार्ट हो जाता है जी, 9% तो स्टार्ट हो जाता है सर बिल्कुल। बहुत सारे लोग जुड़े ने जी, बहुत बहुत धन्यवाद सारे का जुड़न लिए। एवें ही साढ़े चैनल में जुड़े रहा करो सर, जो भी लाइव होया करिए आके देखा करो, थोड़े कोई क्वेश्चन होन सानू इत्थे तुसीं चैट से पूछ लिया करो, सानू कॉल कर लिया करो, मैसेज कर लिया करो। इस नंबर से सानू कॉल करोगे तुहाडा कॉल सुबह 10 बजे तो लैके शाम 6 बजे तक पिक हुंदा, उस तों बाद तुहाडा मिस कॉल आ जांदा तो अगले दिन तुहानू कॉल बैक हो जाती है। इस तों अलावा नवे ऑफिसेज की गल कर लेने, नवे ऑफिसेज अपने संगरिया ऑफिस स्टार्ट होने वाला जी, बिल्कुल ओके हो चुके ऑफिस, थोड़े जिहे दिनां च 5-7 दिनां च उहनूं ऑफिस नूं स्टार्ट कर देंगे। तो जल्दी डेट अनाउंस करांगे ऑफिशियल पेज पर, यूट्यूब फेसबुक पर अनाउंस कर देंगे, इंस्टाग्राम पर भी अनाउंस करांगे। इस तों अलावा सूरतगढ़ ऑफिस ऑलमोस्ट डन है जी, उत्थे भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है। नोएडा डन है, परी चौक पर लोकेशन ओके हो चुकी है। आगरा खुल रहे हैं जी यूपी दे विच, मैनपुरी खुल रहे यूपी दे विच, वो भी बहुत जल्दी ऑफिस आ रहा है, डेट्स अनाउंस कर देंगे जो ऑफिस खुलेंगे। फिजिकल ऑफिस होने का बेनीफिट यह होंगे सर, तुम उत्थे जाके कंपेयर कर सकते हो, टीम नूं मिल सकते हो। वैसे तो रैपिड लोनस की जो मुहिम है वो मुहिम यही है कि घर बैठे थोड़ा लोन कराइए, घर बैठे इंश्योरेंस कराइए, पर फिजिकल ऑफिस होने नाल थोड़ा होर ईजी हो जाता है। बहुत सारे कस्टमर्स इदा के होंगे ने जिहड़े नहीं ऑनलाइन कंफर्टेबल फील करते, उन्होंने लगता है कि नहीं मैं किसी मेरे डॉक्यूमेंट नहीं शेयर कर सकता, या मैं तो बंदे नाल ही सामने बैठ के गल करा ताई मैनू तसली होगी कि कंपनी सही है या नहीं है, जब लोन जो मेरा करवा रहा है वह सही है या नहीं है। तो तुहाडे वास्ते कोशिश कर रहे हैं सर, जल्दी तो जल्दी ऑफिस बधाइए, नवे नवे ऑफिस लेके आइए। छोटे छोटे कस्बे च भी ऑफिस लोन का प्लान है, हनुमानगढ़ जिले के लगभग सारिया तहसीलों कवर करने का प्लान है जी, गंगानगर के लगभग सारिया तहसीलों कवर करने का प्लान है। तहसील स्तर से ऑफिस बनावांगे छोटे छोटे, उत्थे तुहानू एक स्टाफ जरूर मिला करेगा हर ऑफिस च। ते उस तो अलावा कोई क्वेश्चन होन थोड़े, कोई क्वेरी होवे थोड़ी, तुसीं इस नंबर ते कॉल कर लिया करो। सर्विसिज साडियां की ने, होम लोन, परसनल लोन, कार लोन, किसी भी तरीके के बिजनेस लोन तुसीं लैणे ने, किसी भी तरीके का इंश्योरेंस तुसीं करवाउणा है, चाहे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, फुल इंश्योरेंस है, कोई ट्रक का, ट्रैक्टर का, बस का, कोई भी एग्रीकल्चर थोड़े कोल इक्विपमेंट है, कोई थोड़े कोल साधन दूजा हैगा कमर्शियल है उते करवाउणा है, बस है कोई उते करवाउणा है, पिकअप है, BMT है, किसी भी तरीके के व्हीकल से तुम इंश्योरेंस करवाना। सिर्फ सानू पुराना बीमा, अगर पुराना बीमा भी एक्सपायर है तो RC पा दो, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड पा दो, थोड़ा बीमा घर बैठे थोड़ा मिल जाएगा। उस तो अलावा NOC की सर्विस जिम्मे हर बारी गल करते हैं सर, पैन इंडिया साढ़े रिसोर्सिज ने जो सू हैल्प करते हैं थोड़ी NOC कढ़ाने के, अगर तुम कोई कार बाहर के नंबर की चला रहे हो, तुम चाहते हो कि नंबर चेंज करवाना, तो NOC की जरूरत है, तो तुम सू कॉन्टैक्ट करो इस नंबर पर। तो पैन इंडिया सर, पैन इंडिया का कहना तो मतलब मेरा पैन इंडिया तो ट्रूली पैन इंडिया है, किसी भी स्टेट की NOC किसी भी स्टेट के लैनी है, तुम कि जाने की लड़ नहीं सर, जो डॉक्यूमेंट असं मंगीए सू कोरीयर करो, NOC घर पहुंचा देंगे जी। साढ़े रिसोर्सिज हर जगह ने, सारे स्टेटा च ने, सारी जगह की NOC साढ़े को क्वेरिया भी आ रही ने हूँ, जो तो लाइव से ज्यादा दसन लगे हैं इस चीज़ बारे। बैंगलोर दुछ NOCs निकलवाइया ने, जो दिल्ली गड्डी चला रहे थे बैंगलोर नंबर की, उन्होंने दिल्ली के नंबर लगाने से उन्होंने परेशानी आ रही थी, बार बार ट्रैफिक वाले रोकते हैं जी कि असी नंबर चला रहे हैं जी। दो बंद का आया साढ़े को, दो एक्चुअली क्वेरी आई, एक लेडीज थी एक कोई जेंट्स थे, बैंगलोर नंबर की गड्डी दिल्ली चला रहे थे, तो उन्होंने बैंगलोर तो NOC कट के दिल्ली की, तो दिल्ली नंबर लवाए उन्होंने। तो पैन इंडिया जो कह रहे हैं तो पूरे इंडिया से कितों की भी थोड़ी NOC हो, सू संपर्क करो 9828130300 आ नंबर पिछले दिता हुआ जी इस नंबर पर। तो जोड़े डॉक्यूमेंट दसे जाए, जो ऑनलाइन दसे जाए तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट पा दो, जो कोरीयर दसे जाए कोरीयर कर दो डॉक्यूमेंट सानू, तो सारे डॉक्यूमेंट तुम भेज के तो NOC उपलब्ध हो जाएगी। हाइपोथिकेशन हटाने वास्ते भी फैसिलिटी अवेलेबल है, मान लो थोड़ा लोन कंप्लीट हो गया, तुम्हें हाइपोथिकेशन हटाना है, जो RC के बैंक का नाम आ रहा है भी इस बैंक तो फाइनेंस की गड्डी, तो वो भी हटाने वास्ते सर्विसेज अवेलेबल ने। तुम सू किसी भी स्टेट की कितों की भी HP हटाने वास्ते सू संपर्क कर सकते हो, तो HP
जो थोड़ा डॉक्यूमेंट दसा भेज दो रिसोर्स हेल्प कर देंगे एसबीआई टोन के। बाकी चलते वीडियो शेयर करते रहा करो जी, काफ़ी सारे लोग जुड़े अच्छ मैक्सीम नंबर 43-46 तक पहुँच गया, तो हजे शुरुआत है साड़ी भी, कद एक दो पीढ़ी देखते होंगे शुरू करते जो भीडियो 5-7 देख लगे 10-15-20 हूँ 50 के नेट पहुँचने लग गया नंबर, तो सब के आशीर्वाद न हो सकता है नंबर बहुत जल्दी होर अगे बचे। शेयर करते रहा करो ताकि जिन्होंने बेनीफिट लेने ने लोनस के उन्होंने हालांकि साड़ा फिर जो नहीं भी सबसक्राइब कर रख्या नहीं भी फॉलो कर रख्या तो वो वीडियो देख लिया थोड़ी फ्रेंड लिस्ट ने, अगर तुम आपके फेसबुक पेज तो शेयर करोगे तो डेफिनेटली देख लेंगे, तो जो उन्होंने कोई लोन लेना तो उन्होंने हेल्प हो जाएगी, उन्होंने इधर कि बाहर गर्मी बहुत है उन्होंने बाहर नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठे उन्होंने हेल्प हो जाएगी। इस तो अलावा दिल्ली ऑफिस के सारी फैसिलिटी स्टार्ट ने, दिल्ली ऑफिस विजिट कर सकते हो, नेता जी सुभाष प्लेस के ऑफिस है जी RG ट्रेड टावर, सवेरे 10 बजे तो लैके शाम 6 बजे तक ऑफिस खुलता है, शेखर जी मिलते हैं उतने सारी सर्विसिज सारे जो भी उतों के कंसर्न ने तुम रिजोल्व करवा सकते हो। बाकी पैन इंडिया सर्विसिज कितने भी लैनी है इस नंबर से, सिंगल नंबर साडा नंबर है, इस नंबर से कॉन्टैक्ट करो, पैन इंडिया जितों की भी सर्विस है घर बैठे सर्विस मिलेगी जी। फाइल चार्ज क्या होता है, फाइल चार्ज के बारे पूछ रहे हैं, सारा कवर कर चुके हैं सर, वीडियो थोड़ा जहा बैक करके देख लो तुम। प्राइवेट काम करते हैं तो कितना हो जाएगा, जितनी आप सैलरी लेते हो जी उसका 10 गुना तक हो जाता है, अगर आपकी सिविल ठीक है, अगर आपके सिविल में कोई इशू नहीं है तो जितना आप सैलरी ले रहे हो उसके 10 गुना तक आपका लोन हो जाएगा। ओटीपी के बारे में उन्हें कवर करें थोड़ी देर पहला, वापस दस दिना सर, ओटीपी किसी नाल शेयर नहीं करना चाहिए आपका, बार बार सानू यही क्वेश्चन आता है कि ओटीपी शेयर सानू मंगया जाता है, ओटीपी शेयर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ओटीपी शेयर ना करो। अगर तुसी किसी बैंक च लॉग इन कर रहे हो फाइल लोन दी, बैंक वाला तुहाडे नाल बैठा है कोले बैठा है तो लॉग इन कर रहा है तो ओटीपी तुहानू भेज रहा है, वो तुसी ओटीपी कोई इशू नहीं है, तुसी ओटीपी उन्हें दे सकते हो क्योंकि तुहाडे सामने एप्लीकेशन दे विच तुहाडा नंबर पा रहा है, उतों तुहाडे कोले ओटीपी जा रहा है, वो तुहाडा कंसेंट ले रहा है एक्चुअली कि तुहाडे आधार कार्ड पैन कार्ड नाल क्या असीं लोन चालू कर दिए प्रोसैसिंग स्टार्ट कर दिए, वो तो कंसेंट ले रहा है, उन्होंने ओटीपी दे सकते हो कोई इशू नहीं है। किसी अननोन नंबर तो कॉल आ रहा है अपने आप बैंकर होने का दावा कर रहा है, उन्होंने ओटीपी बिल्कुल ना दो, किसी भी लिंक से बिल्कुल क्लिक ना करो सर, साइबर फ्रॉड बहुत बढ़ चुके हैं, थोड़े दिन पहला की गल है जी, इतने अपने तारा नगर है चूरू को किसी के 1,15,000 रुपए बैंक चो उन्होंने कट ले, एक फोन आया एक लिंक आया तो 1,15,000 रुपए गायब हो गए, तो साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो अज ही मैं एक न्यूज़ पेपर के न्यूज पढ़ी सी कि कोविन एक वैबसाइट सी जिसे अपने जो कोविड की लगी सी डोज वो कुछ करोड़ लोगों का डेटा जो है वह गायब हो गया, पता नहीं किन्ने करोड़ लोगों का डेटा जो है वह चोरी हो गया लीक हो गया, तो वह डेटा लीक होने नाल साइबर फ्रॉड का रिस्क होर ज़्यादा हो गया अपने से, हुण तो तुसी किसी नाल बिल्कुल कोशिश करो किसी अननोन बंदे की फेसबुक रिक्वेस्ट एक्सैप्ट ना करो, किसी अननोन बंदे नूं ओटीपी ना दिओ, कोई अननोन लिंक ते क्लिक ना करो, चाहे वह कोई कुछ भी थोड़ा कह रहा है कि सर लिंक ते क्लिक करो तो लोटरी लग जाएगी, लिंक ते क्लिक करो ऑटोमैटिक लोन आया पे है जी, क्लिक कर दी थोड़ा डिसबर्स हो जाएगा थोड़े खाते च आ जाऊगा, बिल्कुल क्लिक ना करो सर, बिल्कुल विश्वास ना करो, साइबर फ्रॉड का बिल्कुल बहुत पीक ते चल रहा जमाना। बाकी सारे क्वेश्चन लगभग थोड़े कवर कर चुके हैं, होर कोई भी क्वेश्चन होन तुसी साढ़े इस नंबर से 9828130300 से पुछ सकते हो, सानू मैसेज कर सकते हो इस पेज से, साडा यूट्यूब चैनल है द रैपिड लोनस के नाँ तो, असं इंस्टाग्राम से भी सेम नेम तो हाँ द रैपिड लोनस, ट्विटर से भी साडा हैंडल है द रैपिड लोनस, हालांकि ट्विटर से बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, भुल जाने ट्वीट करना कुछ लिखना, ट्राई करांगे रैगूलर रहिए ट्विटर से भी पोस्ट कराया करिए, इंस्टाग्राम से भी घट पोस्ट हो रही ने, यूट्यूब से रैगूलर वीडियो बना रहे हैं, फेसबुक से अच्छ काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाया तो बहुत सारे लोग जुड़े बहुत अच्छा लग्या, तो हूँ रैगूलर रहेंगे, कुछ ऑफिसेज का एक्सपेंशन सीगा कुछ ट्रैवल चल रहे थे उदा करके नहीं आ पा रहे थे लाइव, तो हूँ कोशिश करांगे कि रैगूलर हर एक दो दिन छड़ के तुहाडे नाल एक नवा वीडियो लैके आईए फेसबुक पेज पर भी। तुहाडे सारयां दा दुबारा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी, 18,300 जिहड़े भी साडे फॉलोअर ने
सब ने एक एक करके फॉलोअर बने हैं, तो सब का बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा साढ़े नाल जुड़न लई। साढ़े नाल जुड़े रहो, साढ़ा पेज शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, सबसक्राइब करते रहो, यूट्यूब चैनल में जरूर सबसक्राइब करो, क्योंकि यूट्यूब चैनल से लंबे वीडियो बनते हैं, ज्यादा उन्होंने इनफॉर्मेटिव होंगे, बहुत ज्यादा जानकारी उत्थे कोशिश करते हैं, एक एक घंटे डेढ़ डेढ़ घंटे के वीडियो होंगे, 40 मिनट तो स्टार्ट हो जाते वीडियो, तो जानकारी थोड़ी डिटेल च होंगी है उत्थे, ते वो पहला अपलोड करके पहला रिकॉर्ड करके फिर अपलोड करते हैं, तो वॉल्यूम थोड़ी क्लीयर होंगी है, क्वालिटी थोड़ी अच्छी होंगी है। फेसबुक से लाइव बनाने हूँ, मैं लाइव इस टाइम हैगा फेसबुक से, तुम मैं कोई क्वेश्चन पूछोगे लाइव थोड़ा रिप्लाई दूंगा। फोर्टी नाइन तक जाया जी, पंजा का रह गया माड़ा जहा टच होने वाला, 49 लोग आ गए सी लाइव एक बार। चलो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा सारा ने जुड़न लई, थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम नहीं लवेंगे, तो इस वीडियो में बस शेयर जरूर कर दो, जिन्होंने परसनल लोन लेना है पंजाबी दे विच पूरा वीडियो डिटेल दे विच एक्सप्लेन करिया, जिन्होंने भी परसनल लोन लेना है उन्होंने तक वीडियो पहुंचाओ, आपके वट्सएप ग्रुपां ते, आपके फेसबुक प्रोफाइल ते, आपके फेसबुक ग्रुपां ते, आपके यार दोस्तों नूं शेयर करो, ताकि ज्यादा तो ज्यादा संख्या दे विच लोग परसनल लोन लैण दा फायदा चुक सकन। जुड़े रहने लई बहुत बहुत धन्यवाद सर।